अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप मेरी पीसी स्क्रीन पे ये ऑटो कैड का एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है। राइट साइड में 6.3.65 की एक लेन है और 2 मीटर का एक शोल्डर है। ये शोल्डर में जो है वो DST है, डबल सरफेस ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे इस लेन में जो है 50 mm थिक जो है एस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स है और 80 mm का एस्फाल्टिक बेस कोर्स है और 250 mm का वाटर बॉर्ड मैकेडम है और 300 mm का ग्रैनुलर सब बेस कोर्स है। ठीक है, ये जो 3.65 की लेन है, ठीक है, वहाँ पे ये जो है मटेरियल ऐसे है। ठीक है, और जो ये शोल्डर है यहाँ पे हमें जो दिया गया है, यहाँ पे डबल सरफेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है जिसकी थिकनेस 25 mm है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है DST। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये मटेरियल, ये स्ट्रक्चर मटेरियल जो है ये कैसे कैलकुलेट होंगे और उनके लिए असम्बली कैसे बनेगी, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको बनाया है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये असम्बली बनाई है मैंने इसके लिए। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो सिविल 3D में लेन अवेलेबल है, लेन सुपर एलिवेटेड AOR, ओके, ये लेन है। और इसमें मैंने जो मटेरियल थिकनेस हमें दी गई है वो ली है। और यहाँ पे मैंने एक असम्बली जो है वो बनाई है जहाँ पे ये हमारी DST है और ये हमारा वाटर बॉर्ड मैकेडम है। ओके, और यहाँ पे जो है हमारे पास सब बेस है। ओके, ये जो थिकनेस दी गई है इसके हिसाब से मैंने जो है ये शोल्डर का मटेरियल जो है टोटल यहाँ तक जो बन रहा है उसमें से ये 25 माइनस किया है और जो रिमेनिंग है वो शोल्डर में वाटर बॉर्ड मैकेडम की थिकनेस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मैंने असम्बली बनाई है, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को और इसको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ एज इट इज़ कि ये कैसे क्रिएट होगी। तो ऑलरेडी मैंने इसको बनाया है, इसमें कुछ कोडिंग है जो मैंने की है जिससे हमें हमारे ये वाले जो पॉइंट्स वगैरह हैं बाद में सेटिंग आउट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, ठीक है, वो कोर्स एट स्टाइल पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है चैनल पर, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और जो इसके जो कोड हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो मैंने कैसे इसमें असाइन किए हैं। तो इस पर भी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है तो मैं इसमें जस्ट शॉर्ट सा आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा। ओके, अभी मैं जहाँ से कॉपी कमांड लेता हूँ, ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और इसको मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, इसमें से एक दफ़ा मैं ये जो चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये शोल्डर है। ओके, ये सिंपल लेन है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बाकी जो है अभी यहाँ से अगर आप टूल पैलेट्स में जाएं तो यहाँ पे एक बेसिक की ऑप्शन है, बेसिक में जाएं तो यहाँ पे एक जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर की ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाके आप इसको असाइन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक नॉर्मल लेन जैसा जो है वो मटेरियल आ जाता है। इसमें करना क्या है, जस्ट इसमें जो है आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे दें, जैसे मैं एक रफ सा नाम देता हूँ इसको। ओके, पैरामीटर, यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, विड्थ दी गई है, शिफ्ट विड्थ दी गई है। ओके, शिफ्ट विड्थ में हमने इसको 0 रखना है और यहाँ पे हमने इसको
टू रखना है कि हमारे शोल्डर की विड्थ जो है वो टू है। उसके बाद इसकी डिफॉल्ट स्लोप जो है वो माइनस फोर है, ओके। और यहाँ पे जो है आपके सुपर एलिवेशन जो भी आपका आपने अपनी अलाइनमेंट में असाइन किया होगा, ठीक है, वो रखना है। और अगर तो आपने शोल्डर के स्लोप आपकी लेंथ से डिफरेंट है, तो फिर यहाँ से आपने जो है राइट आउटसाइड शोल्डर सेलेक्ट करना है। हमारी यहाँ पे स्लोप जो है वो लेंथ से अलग है, इसलिए हम इसको राइट आउटसाइड शोल्डर ले रहे हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम क्रोन होगा, और इसकी जो भी डेप्थ आपके पास रिक्वायर्ड है वो आपने इसको देनी है। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन आउटर वर्टिकल फेस, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ये जो साइड में स्लोप्स बनी हुई है, अगर आपको ये चाहिए तो आपने इसको येस पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी इसमें कोई साइड स्लोप नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे येस करता हूँ, ओके, तो ओके और अप्लाई करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लोप जो है वो बन गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्लोप है वो आपने असाइन करनी है, आपकी स्लोप जो है वो 2:1 है, ओके। और आपने इसको जस्ट अप्लाई करना है, ओके करना है, ओके। और यहाँ पे जो है ये स्लोप अभी इसमें आ जानी चाहिए। असेंबली प्रॉपर्टी, ओके। और यहाँ पे इसको 2:1, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये देखें, यहाँ इस पे ये स्लोप असाइन हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका सिर्फ इसका यही है, ठीक है। बाकी सबको भी आपने ऐसे ही करना है। और ये जो इसकी विड्थ होगी, नीचे वाली विड्थ होगी, अभी नेक्स्ट वाली की जो विड्थ होगी वो आपने वो देनी है। तो मैं जस्ट इसको आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कुछ एक्सटर्नल कोर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप कोड है, शेप कोड में आपने अपना जो भी मटेरियल है उसका नाम दे देना है, ओके। उसके बाद है आपके कुछ कोड हैं, जैसे आप ये वाली जो असेंबली बनी हुई है इसमें बाय डिफॉल्ट सिविल 3D में जो कोड असाइन हुए हुए हैं उसी तरह के कोड आपने इसमें देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है इनसाइड टॉप पॉइंट कोड, तो इनसाइड में ऑलरेडी हमारा सिविल 3D का कोड अवेलेबल है, इसलिए अगर हमें इस पॉइंट के सेटिंग आउट चाहिए तो हमें यहाँ पे कोड देने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा आउटसाइड टॉप पॉइंट कोड। आउटसाइड टॉप पॉइंट कोड कौन सा है, ये वाला जो ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी अपने हिसाब से आपने देना होगा वो कोड आप यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आउटसाइड बॉटम पॉइंट कोड, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या कोड चाहिए वो आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके टॉप लिंक के कोड हैं, जो आपका ये जो टॉप लिंक है जो सरफेस क्रिएट करेगा उसका कोड है। उसके बाद आपका बॉटम लिंक कोड है, ये जो नीचे का कोड है, ठीक है। और उसके बाद आउटसाइड लिंक कोड है, ये आउटसाइड लिंक कोड है जो टॉप पे आता है, ओके। तो ये कोड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी इस असेंबली में असाइन किए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ओके। जैसे मैंने ये असेंबली है हमारी, ये असेंबली है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है अभी ये इंसर्ट हुई है, मगर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आई है। तो मैं इसको वन बाई वन करके करता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी इसमें मैंने ये जो DST वाली है वो लगा दी है, तो इसमें मैंने कुछ कोड दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वन बाई वन। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, पैरामीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आउटसाइड टॉप पॉइंट है इसको मैंने DST टॉप का कोड दिया है, और आउटसाइड बॉटम पॉइंट कोड जो है वो WBM मैंने टॉप रखा है, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिंक था टॉप का, वहाँ पे ये DST टॉप बन रहा है, और आउटसाइड बॉटम पॉइंट कोड जो है वहाँ पे हमारा ये शोल्डर में WBM टॉप आता है, ठीक है। इनसाइड बॉटम पॉइंट कोड मुझे नहीं चाहिए, टॉप लिंक कोड में मैंने टॉप DST रखा है इसको,
ओके, बॉटम लिंक कोड में मैंने इसको डब्ल्यू बी एम टॉप रखा है, ठीक है, कि ऊपर जो सरफस है वो डी एस टी की है और नीचे जो सरफस क्रिएट होगी वो डब्ल्यू बी एम की टॉप क्रिएट होगी। आउटसाइड लिंक कोड मैंने इसको टॉप रखा है, ठीक है, और इनसाइड लिंक कोड मैंने नन रखा है, और शेप कोड में मैंने इसको डी एस टी रखा है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। ओके, उसके बाद है हमारे पास दूसरी शेप है हमारे पास, सॉरी, ओके, इसको मैं वन बाय वन कॉपी करता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे हमारी ये डीएसटी है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट किया, ये यहाँ पे आ गई है। ओके, अभी मैं यहाँ से इसको दूसरी शेप लेता हूँ। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। अभी मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी कोडिंग कैसे की है। पैरामीटर, ओके, यहाँ पे जो है पहले हमने यहाँ पे डीएसटी टॉप लिखा था, अभी मैंने यहाँ पे डब्ल्यूबीएम टॉप लिखा है। यहाँ पे पहले डब्ल्यूबीएम टॉप था, अभी मैंने यहाँ पे सब बेस टॉप लिखा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टॉप लिंक कोड में पहले डीएसटी टॉप था, अभी डब्ल्यूबीएम टॉप हो गया और यहाँ पे सब बेस हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप डब्ल्यूबीएम कर दिया। ये आप अपने हिसाब से कोड रख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, आप अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कोड रख सकते हैं। और यहाँ पे शेप कोड जो है वो मैंने इसको बेस रखा है, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी शेप है ये जो हमने सब बेस के लिए साइन की हुई है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लाके मैंने इसको असाइन कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये एक साइड हमारी बन गई है इसमें, ठीक है। इसके कोड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पैरामीटर, ओके, और यहाँ पे टॉप लिंक कोड में मैंने इसको सब बेस रखा है, ठीक है, टॉप सरफेस इसकी सब बेस क्रिएट होगी, बॉटम में ये जो है वो डेटम सरफेस क्रिएट करेगा, आउटसाइड लिंक कोड में मैंने टॉप आउट रखा है इसको, और इनसाइड में मुझे नहीं चाहिए, और शेप में मैंने इसको सब बेस रखा है, ठीक है। सेम जो है हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में है, ठीक है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों को का टाइम भी जो है वो बच जाएगा इसमें। यहाँ पे लाके मैंने इसको इंसर्ट किया, सेम कोडिंग है इसकी, जस्ट इसको मैंने जो नेम दिया है वो लेफ्ट साइड दिया है, यहाँ पे जो नेम है वो मैंने इसको डीएसटी लेफ्ट रखा है, ओके। और अभी नेक्स्ट जो है आपने सेम वही शेप जो है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके जो इसका बॉटम वाला मार्कर है वहां से आपने इसको इंसर्ट कर देना है। कॉपी, और इसके बॉटम वाला जो मार्कर है यहाँ पे आपने इसको असाइन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितनी आसानी से ये असेंबली बना ली है, और इस पे जो लेवल्स वगैरह हैं वो ऊपर मैंने क्रॉस सेक्शन क्रिएट ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये स्लोप्स वगैरह जो भी हैं वो फॉलो हो रही हैं हमारी, ठीक है। इसमें मैंने सुपर एलिवेशन भी असाइन की है, ठीक है। आपने हर एक को सुपर एलिवेशन असाइन करना है, मैं फिर बता देता हूँ वो कैसे करनी है। आपने शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ये जो यूज सुपर एलिवेशन स्लोप लिखा है, यहाँ पे आपने राइट आउटसाइड शोल्डर लिखना है, क्योंकि आपकी जो स्लोप है वो लेंथ स्लोप से अलग है, ठीक है, तो इसको आपने जो है वो अलग लिखना है। ये विड्थ जो है, ये जो विड्थ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विड्थ जो फर्स्ट लेयर की बॉटम की विड्थ होगी आपने वो देनी है इसको, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आपने जो इसकी बॉटम की विड्थ है वही इसकी टॉप की विड्थ आपने वहाँ पे इंटर करनी है, तो आपकी ये असेंबली क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपने अपना सैंपल लाइन लगाना है, सैंपल लाइन के बाद आपने सोर्स वगैरह जो भी हैं आपने ऐड करने हैं कॉरिडोर बना के, उसके बाद आप जब भी क्रॉस सेक्शन बनाएंगे
तो आपको इस तरह का ये क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी स्लोप साइड स्लोप फॉलो हो रही है, यहाँ पे हमारे ये जो सेटिंग आउट पॉइंट है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब बेस का टॉप है वो आ रहा है और उसका लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो जीएसबी का बॉटम है वहाँ पे हमारा बॉटम का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे टॉप का पॉइंट आ रहा है, ये टॉप का है और ये इसके बॉटम का पॉइंट है, ठीक है। और ये इनकी स्लोप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने सुपर एलिवेशन अप्लाई की है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्लोप -2 है और यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे ये शोल्डर रिवॉल्व होके रोटेट होकर 2% पे आ गया है और यहाँ पे ये -2% पे चला गया, जबकि हमारी असम्बली में ये जो स्लोप्स हैं वो 4% है, ठीक है, ये 4% है। अगर आपको ये वाली जो असम्बली है क्रॉस सेक्शन है, अगर आपको ये वाली स्लोप्स 4% में चाहिए, ठीक है, तो फिर ये जो है इसकी स्लोप जो है वो जैसे ये असम्बली में है ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। वो जब आप अपनी सुपर एलिवेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आपने अपने शोल्डर को लेन के हिसाब से रोटेट करना है या नहीं करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे दूसरी साइड में स्लोप है हमारी, ठीक है, यहाँ पे 3% लेन स्लोप है तो शोल्डर भी 3% पे रोटेट हो गया है और यहाँ पे प्लस में चला गया और यहाँ पे माइनस में चला गया है। आप लोग देख सकते हैं हर क्रॉस सेक्शन पे सुपर एलिवेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर ये जो है राइट साइड जो है वो अप हो रही है और लेफ्ट साइड जो है वो डाउन हो रही है। तो यहाँ पे हमने अपने मटेरियल भी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल के एरिए वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आ रहा है, आप इसको कैड फाइल से चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेटली इसमें आता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।